भी अभी खराब होना अभी सुनसान है रहते इसे मेरा चाचा ठीक करेगा बट सर मैं तो लास्ट राउंड के लिए आ ही नहीं पाया था मैं ये सोच सोच कर हैरान कि मुझे यहां बुलाया क्यों हैरान होने वाली कोई बात नहीं तुम हमारे बेस्ट एप्लीकेंट्स में से इसलिए तुम्हें यहां बुलाया सर आप बिल्कुल मेरी बीवी की तरह बात कर रहे हो अक्सर वो कुछ कहने की कोशिश करती है और मैं समझ नहीं पाता बहुत कंफ्यूजिंग होता है एक्चुअली आई एम सरप्राइज्ड कि मैं यहाँ कर क्या रहा हूँ खैर तुम्हारी वाइफ जो भी हो लेकिन जो बात मैं तुम्हें अब बताने वाला हूँ वो सुनकर तुम्हारी वाइफ को सरप्राइज जरूर मिलेगा अरे रुको चाचा अरे रुको 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 सरदार जी ओए काके की हो गया ओ सरदार जी क्या बताओ क्या हो गया तो ये कोई प्यार शहर का मामला है कि नहीं है आपको कैसे पता ओए प्यार के मामलों में उस्तादों के उस्ताद है भाई सरदार जी आपकी बहुत मेहरबानी होगी अगर आप मुझे आगे तकलीफ दे दे तो मुझे बहुत किसी भी हालत में पहुंचना है ओए किसी भी हालत में क्यों यार ओए अच्छी हालत में पहुंचाएंगे आहो ओए आखिर ये गड्डी बड़ी है प्यार करने वाले वास्ते आजा थैंक यू सरदार जी सब कोशिश कर रहे हैं गुंजन भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि सब कुछ ठीक हो जाए सम्राट भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है आई थिंक सब कुछ मेरी वजह से ही खराब हो रहा है नहीं ऐसा मत होने देना कंट्रोल योरसेल्फ दिमाग से सोच दिल से नहीं क्योंकि अगर दिल से सोचेगा तो अपने लिए तो खराब होगा ही गुंजन और सम्राट के लिए भी सब कुछ स्पॉइल हो जाएगा और मैं गुंजन और सम्राट के साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा रोहित सॉरी आई वाज रियली गुड टू यू I'm sorry, Gunjan. Tola, Dali Tola, Se 17. Very good. 17 rupees mein diya to kya? Diya ke khayal ko bhi date pe nahi leke ja sakta. Benji, Benji, Benji. Worry not. Hey, man. Pucha. Kya baat hai, man? Bade khush lag rahe ho. गाइस तुम लोग बिलीव नहीं करोगे कि क्या हुआ क्या हुआ मैं पास हो गया फाइनली नहीं है मैं MBA करने US जा रहा हूँ व्हाट कब कैसे वो स्कॉलरशिप जो मुझे नहीं मिली वो इसलिए नहीं मिली थी क्योंकि उनको मुझ में एक स्टूडेंट ही नहीं बल्कि उससे कुछ बढ़कर देखा वाह उनको लगता है कि मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी का मैनेजर और फ्यूचर CEO बन सकता हूँ और इसीलिए उन्होंने मेरा MBA US में स्पॉन्सर किया है और वो लोग मुझे जॉब भी देंगे वाओ मयंक दैट्स ग्रेट न्यूज ये तो वही बात हो गई कि पिज्जा के साथ चीज फ्री में बट रहा है और तू जबरदस्ती डिप्रेस हो रहा था देख आई स्वेयर मयंक आई मीन तुम्हारी और नुपुर दोनों की लाइफ एकदम सेट हो गई है तुम होके सोच रहे थे कि तुम्हारी जिंदगी में क्या नहीं है अरे ये देखो
अब तुम्हारी जिंदगी में क्या क्या नहीं है। आई नो, थैंक्स गाइस, यू आर मोस्ट वेलकम। हेल्प मी। ओह हाँ मयंक, सॉरी कुछ काम है। ओके चल। हाँ मयंक, तुम्हारे पे $500 है। अरे अभी तो तुम यूएस जा रहे हो। कोई बात नहीं, मान लिया। फिलहाल इंडियन रुपीस है। ओके थैंक्स। अब मयंक, लेकिन तुमने ये बात नुपुर से बता दी ना? आई मीन वो बहुत खुश होगी जब उसे पता चलेगा कि तुम लोगों की लाइफ इतनी रॉकिंग हो गई है। उसे याद से बता देना। ओके बाय। बाय गॉड बाय। ओए काके, तेरी लव स्टोरी तो मैंने सुन ली थी है यार। और ये जो तू शोशा कर रहे ना, ये गिटार होल और ये कपड़े, और ये तू लड़की को खोने के डर से कर रहा है ना, के इसलिए कि तू लड़की से प्यार करता है। नहीं पाजी, मैं गुंजन से प्यार करता हूँ, इसीलिए उसको खोने से डरता। और तूने रब को कभी देखा है? नहीं ना। और फिर भी तू उसे याद करता है क्योंकि तुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि भगवान तेरे आसपास ही है और उसे पकड़ के रखने की ना कोई जरूरत नहीं होती है। और बस प्यार ही ऐसे ही होता है। तो क्या मैंने चश्मिश को खुद से बांध के रखा है? ओए काके, ओए सच्चा प्यार तो यही है, आप उसे खुद से दूर जाने दो। अगर वो वापस आ गई तो उसकी मर्जी है यार। पर अगर वो नहीं आई तो समझ लो काके कि वो तुम्हारी कभी थी नहीं। मयंक, मैं तो चश्मिश के पास पहुंचने वाला। आप ऑल द बेस्ट टू, ये तुम्हारा लास्ट चांस है। मयंक, अब मुझे किसी बात का डर नहीं है। मैं चश्मिश से बहुत प्यार करता हूं और अब जो भी होगा वो सच ही होगा। बाय बाय। अब हम दोनों लाइफ में अच्छा कर रहे हैं, ये हमें साथ करना चाहिए। और ये खुशी मैं किसके साथ शेयर करूंगा उसे बता देता हूं। इस बार मैं उसे फोन नहीं करूंगा, जब वो खुद फोन करेगी तभी उसे एक गुड न्यूज़ दूंगा। मैं फोन नहीं करूंगा। सोच रहा था कि बाहर डिनर के लिए तो हर कोई जाता है, हम लोग कुछ अलग करते हैं, समथिंग डिफरेंट, समथिंग स्पेशल। स्पेशल? रियली? मैं आंखें बंद करूं? देखो इतना बड़ा सरप्राइज नहीं है, एक आंख बंद कर। हेलो मुंबई टोरो कहाँ है? उदय वो भी हमारे साथ डिनर करेगा? नहीं, पर ये आइडिया डोडो का ही हो सकता है। ऐसे स्टूपिड आइडिया सिर्फ डोडो को ही आते हैं। डोडो यू लुकिंग नाइस। ओह राजू भी हाय गाइस। अरे बेंजी, तू यहाँ क्या कर रहा है? अरे मैं तुझे कब से ढूंढ रहा था। वो क्या, हाँ तेरी कोई माचिस वाचिस रह गई थी, पता नहीं कहाँ छोड़ के आ गया था। अरे मोमबत्ती, प्राइवेट डिनर, कैसी बकवास। तेरी माचिस ने मोमबत्ती को नहीं कर दिया, को जला दिया। अरे बस मैंने नहीं किया। अरे उसी का आइडिया रहा, मैंने सिर्फ माचिस दी थी।
गुड मॉर्निंग मुंबई फ्रेंड्स, दोस्तों आदाब सलाम और नमस्ते फ्रेंड्स। मुंबई की गर्मी आप सबको खाए जा रही है, लेकिन ये सोचिए, गर्मी नहीं होती तो धूप नहीं होती, धूप नहीं होती तो पेड़ नहीं होते, और अगर पेड़ नहीं होते तो बस ये प्यारे प्यारे और मीठे मीठे आम नहीं होते। तो गाइस दोस्तों, एक बात तो माननी पड़ेगी, अगर आम का स्वाद लेना है तो थोड़ी बहुत गर्मी तो बर्दाश्त करनी पड़ेगी। आफ्टर ऑल इट्स ऑल वर्थ। तो आम के इस मौसम में और इस गर्मी के मौसम में एक प्यारा सॉन्ग आपके लिए। आम, अगर माँ यहां होती तो फ्रिज आम से भरा हुआ होता, रोज काट के खिलाती। यहां किसको पड़ी है, टाइम किसके पास है लेने का, फ्रिज खोल लूं वही बड़ी बात है। ने ना हम दोनों को बेस्ट जोड़ी बुलाए। मैं प्लीज ये लेटर देख लो एक बार। मैं तुमने मेरी माया परी देखी है क्या? पाहा हमेशा मैंने और नूपुर ने एक दूसरे को समझने में गलती की है। जिद और बचपने में मैंने उसको गलत समझा। हर झगड़े के बाद नूपुर ही हमेशा मुझे मनाने आती थी। नहीं, इस बार मैं उसे सॉरी बोलूंगा। ये मेरा ईगो भी ना, एक बार दिमाग में घुस जाता है तो हावी हो जाता है। मैंने नूपुर को खो दिया, वो वापस नहीं आएगी। नहीं, मुझे उसे वापस लाना ही होगा। Have you done, Samrat? ये क्या किया है तुमने? Do you have any brains or not? नहीं। पर ऐसा करने के बाद तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई?
मैंने किया क्या है? छोटे शहर की हीरोइन ने मशहूर फिल्म डायरेक्टर के लिए अपने बॉयफ्रेंड का हाथ छोड़ा। मुझे एक स्टोरी चाहिए, सम्राट और गुंजन की लव स्टोरी। और इस तरह गुंजन भूषण ने माया नगरी में पावर रखते हैं, बहुत ही चलाकी के साथ अपने अतीत से पीछा छुड़ा, अपने एक्सेल कॉलेज के बॉयफ्रेंड सम्राट को बीच राह में छोड़कर उसने प्यार को नहीं अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए मशहूर डायरेक्टर नील का हाथ थाम लिया। बस एक बार छपने दो, देखना सारी दुनिया की आंखों में आंसू आ जाएंगे। अपनी स्टोरी पढ़ने के बाद तुम्हारी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे।